नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं रिव्यू विद विकास। कैसे हैं आप? तो भाई, जुलाई का मंथ स्टार्ट हुआ है और एक और ग्रेट कार लॉन्च हो गई है। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा हाईराइडर, जिसका इंडिया लॉन्च कल हुआ है। लुक वाइज कार काफी स्लीक और बोल्ड अपीयरेंस की लग रही है। इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा हाईराइडर का फ्रंट लेक्सस मॉडल से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड लग रहा है। डुअल एलईडी डीआरएल इसका एक अलग ही लुक दे रहे हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी इसमें काफी बेहतर लग रहे हैं। टोयोटा हाईराइडर एक सेल्फ चार्जिंग एसयूवी है, जिसमें पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाएगा, जो कि काफी ब्रॉड और वाइड लग रहा है। तो लॉन्ग जर्नी में या अपने वेकेशन में आप इसको बहुत एंजॉय कर सकते हैं। अलॉय व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। एम्बिएंट लाइटिंग के साथ इंटीरियर काफी अच्छा लग रहा है। बॉडी स्ट्रक्चर काफी एडवांस और एस्पिरेशनल लग रहा है। ब्रीजा की ही तरह इसमें 360 डिग्री कैमरा दिए गए हैं। फीचर में हाईराइडर अपने सेगमेंट की हर कार से आगे है। 9 इंच का स्मार्ट प्ले इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है, जिसमें आप एप्पल और एंड्रॉइड दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स भी दिए गए हैं। हिल होल्ड और हिल डिसेंट कंट्रोल भी दिया गया है, यानी अगर आप हिल्स पे जाते हैं तो इसको ड्राइव करने में बहुत आराम होगा और हिल्स का आनंद लेने के लिए आपके पास ऑलरेडी है पैनारोमिक सनरूफ। तो कैसी लग रही है आपको टोयोटा हाईराइडर, प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी लिखिएगा, उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।